दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे अमोंग अस गेम को खेला जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर दोस्तों अमोंग अस गेम आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। 77 MB की गेम है और भाई 163 का इसका डेटा होगा जब आप लोग इसे इंस्टॉल करोगे, तो वो भाई डाउनलोड होगा चालू करने के बाद। तो यहां पर दोस्तों मैंने वो सब कर लिया है, तो मैं गेम को ओपन कर लूंगा डायरेक्टली और भाई कुछ ऐसा हमें गेम देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आएगा साइन इन नाउ ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये साइन इन हो जाएगा, तो आप भी कर लेना ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया जाएगा अमोंग अस के लिए। आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अकाउंट बन चुका है, यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, अब ओके कर देते। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों एग्रीमेंट आ रहा है मर्ज अकाउंट गेस्ट अकाउंट नॉट राइट नाउ। चलो गाइस हम लोगों ने ये कर दिया, ये आपको भी कर देना है। ऐसा कुछ सीन आएगा जब आप लोग पहली बार इंस्टॉल करोगे तो ये आपको कर देना है ठीक है। ये करने का दोस्तों आप लोग यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ आईडी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपका फ्रेंड कोड देखने को मिलेगा। कई बार दोस्तों आपका फ्रेंड आपसे कोड मांगेगा तो कि तू अपना फ्रेंड कोड दे, तो आप लोग भाई यहाँ से अपना जो फ्रेंड कोड है वो दे सकते हो। ये रहा जो कि इसका फ्रेंड कोड है हमारा, तो ये हम दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं करके आपको दिखा देता हूँ। नाम हम लोग चेंज कर देते हैं लाइक कन्फर्म, हम लोगों ने दोस्तों नाम चेंज कर दिया और रख दिया है लाइक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नीचे फ्रेंड लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है अकाउंट के नीचे, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एड फ्रेंड विया कोड, यानी कि हम लोग अपने दोस्तों को एड कर सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उसका कोड डाल के, और वो कोड आपको ऊपर मिल जाएगा। ये दोस्तों आपका कोड है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपने दोस्त से उसका कोड लेके यहाँ पर डाल के आप लोग उसे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या फिर अपना कोड बता के उससे रिक्वेस्ट ले सकते हो ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों जिस प्लेयर को आप ब्लॉक करोगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फ्रेंड लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, रिसेंटली प्लेड विथ यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा कि किसके साथ आप लोगों ने खेला। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वैसे बहुत सारे लेकिन यहाँ पर लोकल और ऑनलाइन दो मेन है। लोकल में दोस्तों क्या है कि आप लोग दोस्तों बिना इंटरनेट के अपने दोस्तों के साथ वाईफाई के जरिए इस गेम को खेल सकते हैं। अपना भाई यहाँ पर क्रिएट गेम बना के यहाँ पर रूम बना के आप लोग खेल सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। ये बहुत इजी आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हो। अभी हम लोग जाते हैं बैक, यहाँ पर दोस्तों बैक जाने के लिए ऊपर जो भाई आ रहा है सेटिंग का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीव द गेम पे क्लिक कर देंगे तो हम गेम से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, ऐसा भाई बताया जा रहा है कि हाँ कि वाईफाई के जरिए हम लोग खेल सकते हैं। तो लोकल में दोस्तों ये सीन है। ऑनलाइन में अगर हम जाएंगे तो ऑनलाइन में दोस्तों क्या होगा कि हमें तीन और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होस्ट पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ पर दोस्तों जो होस्ट है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग खुद से अपना रूम क्रिएट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुला सकते हो, यानी कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आप लोग ये क्रिएट करिए और अपने दोस्तों को भाई टीम कोड के जरिए या फिर फ्रेंड लिस्ट में है तो इन्वाइट करके आप लोग बुलाइए गेम में, तो वो आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैप देखने को मिलेगी, ये जो आप लोग देख रहे हो मैप, ये चारों मैप है, इसमें पहला मैप दूसरा मैप चार मैप आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इम्पोस्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इम्पोस्टर यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है और बाकी के ये जो दिख रहे हैं अलग अलग, ये दोस्तों समझ लो कि ये इम्पोस्टर है, ये जो रेड बना हुआ इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का काम दोस्तों ये होता है कि वो बाकी के बंदों को छुप छुप के किल करता है, सामने वालों को भाई भनक नहीं लगने देता है कि मैं इम्पोस्टर हूँ, उसका काम ये होता है। इम्पोस्टर दोस्तों किल करके जीतता है और बाकी वाले बंदे भाई टास्क कंप्लीट करके या फिर इम्पोस्टर को भाई गेम से बाहर निकाल के वो जीत जाते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ये जो बाकी के हैं दोस्तों वो क्रूमेट है और ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको वो इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर का काम दोस्तों इनमें से सभी को मारना है, अगर वो सभी को मार देता है लास्ट में भले एक बच जाए, एक बचेगा तो भी भाई इम्पोस्टर जीत जाएगा, तो इसका काम ये होता है। और एक गेम में भाई हम लोग समझ लो कि 15 बंदे ऐड कर सकते हैं, उसमें दोस्तों हम लोग तीन इम्पोस्टर ऐड कर सकते हैं कि तीन बंदों को हम लोग इम्पोस्टर बना सकते हैं। और जो भाई दो बंदों के लिए हमें भाई कम से कम 7 बंदे चाहिए दो इम्पोस्टर बनाने के लिए ठीक है, इतने हम लोग बना सकते हैं। तो ये सीन है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग कन्फर्म पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर में दोस्तों देखिए यहाँ पर रूम देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर रूम बन चुका है और यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो कोड आप लोग देख रहे हो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है, इस पे क्लिक करोगे तो आप कॉपी कर दोगे और अपने दोस्तों को बताना है या फिर किसी को आपको बुलाना है, प्राइवेट नहीं रखना है, तो आप लोग दोस्तों इसे पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक करोगे तो दूसरे बंदे इधर आएंगे, ऑटोमेटिक वो ऑनलाइन आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दूसरे ऑप्शन में दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये रूम बनाया तो ये मैंने पब्लिक कर दिया, यानी कि कोई भी इसमें घुस सकता है ऑटोमेटिक।
अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा, जिसे मैं कोड दूंगा वही दोस्तों आ सकता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसे ओपन करके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ये आप लोग दोस्तों ट्राई कर लेना है एक एक चीज करके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेफ शिफ्टर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि हाँ सेफ शिफ्टर बना सकते हैं। सेफ शिफ्टर का दोस्तों काम क्या होता है कि वो किसी का रूप लेकर किसी को फिनिश कर सकता है और सामने वाले को लगेगा कि इसने मारा, लेकिन मारा भाई इम्पोस्टर ने होता है, जो कि गायो किसी का रूप लेके आया होता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जाते हैं बैक। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये जो अपना ये करेक्टर है, इसके जो कपड़े हम चेंज करना चाहें, यानी कि रंग चेंज करना चाहें, तो यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, रंग चेंज कर सकते हैं या फिर बहुत सारे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड बना हुआ है, इसको हम येलो कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों टोपी वोपी जो भी पहनाना हो वो हम पहना सकते हैं, वो चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देख लेना, ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है ये। और मैंने जो कहा कि भाई ये जो कोड है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि कोई रूम बना था, इस कोड को हमें कॉपी करना है और एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम लोग गेम को लीव करेंगे, दूसरे पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे तीसरे पे, प्राइवेट पे। जैसे कि हमने जो कोड कॉपी किया, अगर किसी दोस्त को वो कोड देना है ताकि वो हमारे साथ खेल सके, तो भाई वो कोड यहाँ पर दे देना है, इंटर कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर भाई फ्री चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जो रूम बना है भाई उसमें भी फ्री चैट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्री चैट या फिर क्विक चैट, तो उसे बता देना है कि फ्री चैट में है, और वो ये भी बता देना है कि वो कौन से सर्वर में है। जैसे कि भाई देखिए यहाँ पर जो हम है वो है एशिया सर्वर में, आप लोग नीचे देख सकते हो, यह रहा एशिया सर्वर। और दोस्तों अगर वो रूम बनाने वाला किसी और सर्वर में हुआ, जैसे कि भाई नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, तो उसे बता देना है कि भाई सर्वर में है, तो वो सर्वर चेंज करके भाई इंटर कर सकता है, वरना भाई इंटर नहीं कर पाएगा वो रूम में। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका सर्वर अलग है और रूम बनाने वाले का सर्वर अलग है, तो भाई वो इंटर नहीं कर सकता है। और अब बात करते हैं भाई पब्लिक की। पब्लिक में दोस्तों किसी ने रूम बनाया होगा तो हम लोग उस रूम में घुस सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मैप भी चूज कर सकते हैं कि किस मैप में हम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑथर का ऑप्शन मिल जाएगा कि इंग्लिश वाले में जाना है, फिर कौन से लैंग्वेज में वाले में जाना है, वो दोस्तों हम लोग क्लिक करके उस रूम में ऑटोमेटिक घुस सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग भाइयों इस रूम में आ चुके हैं। तो इस तरीके से भाइयों इस गेम को खेला जाता है। यहाँ पर मैं लीव गेम करता हूँ, बहुत ही ईजी है इस गेम को खेलना। और अभी भाई मैं किसी एक गेम में जाके आपको दिखा देता हूँ, जैसे गेम स्टार्ट हो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला आ रहा है क्वीन, इसके अंदर हम लोग घुस जाते हैं, लेकिन ये भाई फुल हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अभी हम लोग भाई ये जो दूसरा ग्रुप आया है इसके अंदर घुस जाते हैं, राजू भाई, और यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। और कभी कभार भाई ग्लिच भी हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, कभी कभार ग्लिच भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गेम है भाई जल्दी चालू हो जाएगी, ग्लिच भी हो सकता है कभी कभार। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो आ रहा है उसके अंदर हम घुस जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने बंदे हैं यहाँ पर। तो देखो आप लोग बहुत सारे बंदे हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ से दोस्तों हमें जॉयस्टिक मिल जाएगी, जिससे हम लोग अपना ये जो करेक्टर उसे रन करा सकते हैं, भगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज ये है कि हम लोगों को भाई इसमें वॉइस चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, वॉइस चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें भाई जो सीन है वो ये है कि हम लोगों को भाई जो ऊपर की ओर SMS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसके जरिए भाई हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई गेम चालू होने वाली है, और हमको भाई मिला है क्रूमेट का ऑप्शन। क्रूमेट का दोस्तों काम ये होता है कि उसको सारे जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने में मदद करनी होती है। अगर इम्पोस्टर बन जाते हैं तो इन बंदों को मारने में ध्यान देना है, ठीक है। और इम्पोस्टर का दोस्तों जो काम होता है वो आप लोग देख लीजिए, ये जो बंदा खड़ा हुआ है जिसके ऊपर, यहाँ से दोस्तों वो दूसरी जगह पे निकल सकता है, जैसे कि यहाँ से जाके वो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल सकता है। तो ये सीन है भाई इम्पोस्टर का, और यहाँ पर भाई इम्पोस्टर कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको टास्क मिलेंगे, ये जो आप लोग देख रहे हो ये सारे टास्क हैं, इन टास्क को कंप्लीट करना है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो भरती जाएगी, मतलब फिनिश होती जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों लाइट बंद कर दी है इम्पोस्टर ने, तो ये जो हमें ठीक करना है भाई, वो इम्पोस्टर दोस्तों क्या करेगा कि वो हमें भाई प्रॉब्लम देता रहेगा, और उसके जरिए वो किल करता रहेगा। अगर उसने किल कर लिया, समझ लो कि किसी को डेड बॉडी मिल गई, तो वो रिपोर्ट कर सकता है इम्पोस्टर को, या अगर उसे पता चल गया कि इम्पोस्टर है तो उसके ऊपर वोट करके हम लोग उसे गेम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला टास्क है, इसे हमें कंप्लीट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो टास्क है वो कार्ड है स्वाइप करने का, तो ये जो कार्ड है इसको हम उठाएंगे यहाँ पर और स्वाइप करेंगे, और कार्ड दोस्तों एक्सेप्ट हो चुका है, वरना दोस्तों कभी कभार नहीं होता है। यू लेवल अप, हमारा लेवल अप बढ़ चुका है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। चलो यहाँ पर भाई नो डेड बॉडी फाउंड, यानी कि किसी ने रिपोर्ट करा लेकिन इमरजेंसी बुलाई, किसी को लगता है कि कोई इम्पोस्टर है, तो यहाँ पर देखिए आपको चैट ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से हम लोग चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन, तो यहाँ पर दोस्तों हम बताते हैं कि कौन है वो बंदा, ऐसे हम लोग तुक्का दे देंगे रेड, जैसे कि हमको बताना कि रेड है इम्पोस्टर, हमें लग गया कि हाँ रेड है, तो हम लोगों ने भाई रेड कर लिया, और हम रेड को वोट करेंगे। इस तरीके से हम लोग वोट कर सकते हैं, और जैसे रेड पे दोस्तों ज़्यादा वोट हो जाएंगे उसे गेम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर इम्पोस्टर को निकाल दिया तो गेम जीत जाएंगे ऐसे ही, बिना टास्क कंप्लीट करे। तो यहाँ पर देखते हैं भाइयों, और भाइयों किसी को स्किप करना हो तो वो स्किप भी कर सकता है, नीचे स्किप का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, बाद में शायद मिल सकता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेड को मैंने वोट दिया था और सभी लोगों को लगा कि यही इम्पोस्टर है, बस मैंने आपको बताने के लिए वोट दिया था। तो देखो इसको बाहर फेंक दिया गया है और ये इम्पोस्टर नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है। अगर वो इम्पोस्टर होता तो लिखा हुआ आता कि हाँ वो इम्पोस्टर है। तो कुछ इस तरीके से भाई उस गेम को खेलना है। और भाई वो मरने के बाद आप लोग देखिए, अगर वो बंदा मार देता, इम्पोस्टर मार देता, तो भी हम लोग भूत बन जाएंगे। गेम से बाहर निकाले के बाद भी हम लोग भाई इस तरह घूमते रहेंगे, लेकिन हम लोग दोस्तों जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं भूत बनने के बाद। लेकिन दोस्तों भूत ना ही बोल सकता है, ना ही यहाँ पर कोई टाइप कर सकता है, केवल इतना देख सकता है कि इधर उधर वो घूम सकता है और अपने जो कुछ टास्क है वो कंप्लीट कर सकता है। बस यहाँ पर चैट करेंगे तो भी लोगों को दिखाई नहीं देंगे। तो भाई भूत बनने के बाद ये होता है। लेकिन दोस्तों कई ऐसे रोल आते हैं गेम में जिसकी मदद से अगर कोई बंदा मर गया है तो डॉक्टर का जो रोल होता है वो इसे जिंदा कर सकता है। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कैमरा देखने को मिलेंगे कि कौन सा बंदा कहाँ पर भागा जा रहा है। तो वो सारी चीज हम लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये दोस्तों आप लोग अलार्म देख सकते हैं, ये जो चीज बिगाड़ी है वो है दोस्तों इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का दोस्तों काम ये रहता है कि वो हमारा जो स्पेसशिप है उसे बिगाड़ता रहता है। ये दोस्तों स्पेसशिप है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इम्पोस्टर जीत जाएगा और सारे बंदे भाई फिनिश हो जाएंगे। तो ऐसा सीन है, समझ गए होंगे आप लोग। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना।